Dear student, due to coronavirus, school started online classes for your study. So you can subscribe Golden Flower Palia YouTube channel, like and press the bell icon. Hello students, आज हम class 11 के हिंदी विषय की उधर पाठ पुस्तक विधान के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे. पाठ का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर. ये पाठ मालवंधर जी के द्वारा लिखा गया है. इस पाठ में लेखक ने लता मंगेशकर जी की बेहतर गायकी पर प्रकाश डाला है और उनके गायन की विशेषताओं का उल्लेख किया है. लता जी के गानों को सुनकर श्रोता झूम उठते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं. लेखक कहता है कि बरसों पहले मैं बीमार था तो उसी बीमारी के दौरान उसने रेडियो पर एक अद्वितीय स्वर सुना जिसको सुनकर लेखक ने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं, जैसा हम रोज सुनते हैं वैसा नहीं. पूरी तन्मयता से पूरा गाना सुना और गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर. लेखक नाम सुनते ही चकित हो गया. प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ. लता से पहले चित्रपट संगीत में प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का जमाना था, लेकिन उसी क्षेत्र में लता जी बाद में आती हैं, लेकिन नूरजहां से आगे निकल जाती हैं. अर्थात लता जी को अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई. लेखक का स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं. लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई. यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण, उनका नजरिया भी बदला है. पहले भी घर घर में बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में काफी अंतर आया है. आजकल छोटे छोटे बच्चे स्वर में गुनगुनाते हैं. चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं. संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है और सुरीलापन क्या है इसकी समझ उन्हें होती जा रही है. साधारण लोगों को भी संगीत की सूक्ष्मता, संगीत की बारीकियां समझ में आने लगी हैं. सामान्य मनुष्यों में भी संगीत के प्रति अभिरुचि पैदा करने में लता जी का बहुत बड़ा योगदान है. संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता जी को ही देना पड़ेगा. यदि सामान्य श्रोताओं को लता के गीत सुनाए जाएं और शास्त्रीय संगीत के गीत सुनाए जाएं तो लोग लता जी के गीतों को ज्यादा पसंद करेंगे, उनके गीतों को ही वरीयता देंगे, क्योंकि आम आदमी संगीत की गहराइयों को नहीं जानता है, वो केवल उसकी मिठास पर ध्यान देगा. जो वो उस गाने की मधुरता पर ही ध्यान देगा. जैसे मनुष्य वही कहा जाता है जिसमें मनुष्यता हो, अर्थात मनुष्य वही है जिसमें मनुष्यता हो.
संगीत वही है जिसमें गानपन हो। गानपन का आशय यह है कि गाने का ऐसा अंदाज जो आम आदमी को भाव विभोर कर दे, सुनने वाले को भाव विभोर कर दे। लता जी के गीतों में ये बखूबी देखने को मिलता है। ये गानपन लता जी के गीतों में सहज रूप से ही मिलता है। डू सेल्फ स्टडी एट होम एंड स्टे होम सेव लिव्स। थैंक यू वेरी मच।